स्वागत है आपका मिनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। दो दिव्यांगों की पुरानी गाड़ियां खराब होने से नई गाड़ियों की मांग करने पहुंचे कलेक्टर के पास। कलेक्टर ने 10 दिन में नई गाड़ियां देने की कही बात। कृषि मंडी बोर्ड द्वारा एसीटीआई के सभागार में रखा गया कार्यक्रम। कलेक्टर सहित उद्योगपति भी रहे मौजूद। और कुछ दिनों पूर्व जत्रापुरा में तार फेंसिंग के करंट से पति पत्नी की हो गई थी असमय मौत। अनाथ बच्चों की परवरिश व शिक्षा हेतु भाजपा के नेता मनोज कटारे पहुंचे उनके निवास पर। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और लाभान्वित भी किया जा रहा है। वहीं आज जिला मुख्यालय पर दो विकलांग पुरुषोत्तम दास बैरागी और मंगल सिंह सेन पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होकर टूट गई हैं। उन्होंने नई गाड़ियों की मांग करते हुए कलेक्टर से गुहार लगाई, तब उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। भाई तो माल मैंने अभी एक व्यापारी को दिया था, अभी परसों नर्सों 400-500 पेटी। ये बैटरी वाली साइकिल खराब पड़ी है इनका। जी यार कब से पड़ी है? होगा 2-3 महीना होगा। फिर अब आवेदन दे दो, बिन कही ये करवा देंगे 10-1 दिन। आप बैरागी है क्या है? आप बैटरी वाली गाड़ियाँ मिली थी मोटर चाइल्ड हमारे लाने, अधिकारी वर्ग भी हमारी मदद कर रहे हैं और कम से कम वहाँ से एलएमआई कंपनी वाले सुधारने के लाने नहीं आ रहे। अभी साहब के लाने भी आवेदन दिया, साहब ने ले लिया, 10 दिन की निराकरण कह रहे हैं। कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमेशा मदद करते हैं। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान नवरात्र पर्व के चलते कम आवेदक ही नजर आए, जिनकी समस्याएं डिप्टी कलेक्टर अमिता गर्ग और तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने सुनकर निराकृत की। एक निजी गार्डन में कृषि मंडी बोर्ड द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश कृषि मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों सहित किसान सम्मिलित हुए। किसानों के हितार्थ कार्यक्रम में कलेक्टर उमा शंकर भार्गव और व्यापारी उद्योगपति मौजूद रहे। मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। अभी भी थोड़ी सी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बहुत बड़ा मौका हमको आपको सबको दिया है। कितने सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, शर्मा जी ने कोयल बेयर हाउस और भी कई सारे बेयर हाउस बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने बेयर हाउस बनाए। नाबार्ड की मैडम बैठी हैं, हमने कॉपरेटिव से इन्होंने ना बैंक से ढेर सारे लोगों को लोन दिया है। यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध ये है कि विदिशा में अभी भी बसें भी अभी भी थोड़ी सी पारंपरिक खेती पर लोग लगभग 2008-09-10 तीन साल में इंदौर मंडी का सचिव रहा। इंदौर के किसान बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, लेकिन विदिशा के किसान भी कम नहीं हैं। विदिशा में भी हमारे किसान भाई डॉक्टर पूजा सिंह जी यहाँ उपस्थित,
माहेश्वरी जी, मेरे सहयोगी साथी यहाँ के डीडीए साहब, लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी घाटे का सौदा होता है, लेकिन जिस तरह रिस्क ली कभी कभी बहुत बड़ा फायदे का सौदा होता दोनों बात। हो सकता है माहेश्वरी जी मुझसे सहमत हो या नहीं हो, लेकिन मेरा मानना है विदिशा एग्रीकल्चर के मामले में कभी कमजोर नहीं रहने वाला। इससे ज्यादा आप देखेंगे अभी भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर पूजा सिंह जी यहाँ उपस्थित, माहेश्वरी जी मेरे सहयोगी साथी यहाँ के डीडीए साहब, सभी जो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसके बारे में आपको पूरा बताया। मैं आपसे दो तीन चीजों के बारे में सपोर्ट करना चाहूँगा। मैं इस सेवा लेना बहुत जरूरी है, कभी कभी घाटे का सौदा होता है, लेकिन जिस तरह रिस्क ली कभी कभी बहुत बड़ा फायदे का सौदा होता दोनों बात। हो सकता है माहेश्वरी जी मुझसे सहमत हो या नहीं हो, लेकिन मेरा मानना है विदिशा एग्रीकल्चर के मामले में कभी कमजोर नहीं रहने वाला। इससे ज्यादा आप देखेंगे अभी भी मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने भारत सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एनमार्क्ड किए हैं। सभी राज्यों को वो राशि दी जा रही है ताकि किसानों को उनकी उपज को बेचने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके अंदर एक नए नए प्रकार की चीज़ों का उत्पादन बनाने के लिए उनको अनुदान दिया जा सके। तो 1,00,000 करोड़ रुपए का जो फंड भारत सरकार ने दिया है, मध्य प्रदेश उसको उपयोग करने में, उसको प्राप्त करने में अग्रणी है। आपने सुना जैसा कि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार ने विदिशा जिले के अंदर करीब 250 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा और भी करीब करीब 250 प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। अब जितने हम यहाँ पर, हमारी टीम यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशन में और माननीय कलेक्टर जिला दंडाधिकारी महोदय के अपेक्षाओं पर यहाँ पर सब टीम हाजिर है और सभी किसानों को, उद्यमियों को और व्यापारियों को और कृषि से संबंधित समस्त कृत्यकारियों को यह मार्गदर्शन दे रहे हैं और यह अनुरोध कर रहे हैं उनसे, उनके प्रोजेक्ट बनवा कर ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उद्यम स्थापित किए जा कर सकें और उसका लाभ प्राप्त कर पाएँ। विदिशा ज़िले में इसकी बहुत बहुत संभावनाएं हैं। विदिशा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इसकी संभावनाएं हैं कि और अच्छा यहाँ पर नंबर वन पर मध्य प्रदेश में यह शीघ्र आएगा। बहुत सीटीआई के कैलाश सत्यार्थी हॉल में वर्ष 2023-24 के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र के अंतर्गत गुणवत्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव खाद्य अधिकारी उपस्थित थे। भूखा पेट नहीं बैठेगा किसान तो झंझट भी नहीं होंगे, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं बना के रखें, भूख ना लगने दें। भूख लगने के साथ ही झंझट शुरू होते हैं। सारी चीजें निशुल्क आप केंद्र पर उपलब्ध कराएंगे। उस पत्र को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसमें जितनी व्यवस्थाएं बताई हैं वो केंद्र पर उतनी व्यवस्थाएं रहे, कोई भी किसान परेशान ना हो इस बात का ध्यान रखें। शंकाओं का समाधान कर पाएंगे। जैसे कि इस बार जो परिवर्तन किया गया है, स्लॉट बुकिंग में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पिछले बार की उपार्जन नीति में किसान जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पे अपना स्लॉट बुक कर सकता था। भोजन का इंतजाम रखा है, आपके भोजन का इंतजाम यहाँ रखा हुआ है। मैं दो तीन चीज़ों में अनुरोध करना चाहूँगा। जो इंटर डिपार्टमेंटल है, मैं नान के डीएम साहब से ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं इसके पहले जब रायसेन में था तो जो समस्याएं वहाँ जाती थी कि ये कई बार हम ये महसूस करते हैं कि ये नान है, ये कॉपरेट डिपार्टमेंट है, एक उत्तर जा रहा है एक दक्षिण जा रहा है। हमारा काम ये पूरा एक टीम वर्क है,
सबका काम है, सबको मिलके करना है। और जिस तरह से हम एक परिवार में काम करते हैं, तो कई बार वेयर हाउसों पर आपने देखा है कि समितियों को एक आर्थिक नुकसान भी होता है दूरी के कारण। मैं आपको खुली बात कहना चाहूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी आपको कह रहा हूँ कि 200 मीटर का यदि खरीदी करते हैं जहाँ वेयर हाउस है, 200 मीटर का खर्चा कितना देते हैं आप? 12 रुपये। और 400 मीटर का कितना देते हैं? 16 रुपये। तो मेरा आपसे एक अनुरोध ये भैया कि बड़ा दिल करके रखें, भारत सरकार आपको पैसा देगी, समितियों को भी नुकसान नहीं, तो थोड़ा इनका मतलब समझ गए ना कि 400 मीटर वाले में भले 200 मीटर का आप किस देश को लेकर गेहूँ चना सरसों और मसूर का उपार्जन कार्य किया जाना है, इसके लिए जितने भी केंद्र निर्धारित किए गए सभी के केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर का आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें तकनीकी प्रशिक्षण के साथ गुणवत्ता का भी प्रशिक्षण FCI के उपस्थित अधिकारी और निपट के उपस्थित अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा। उपार्जन नीति के क्या प्रमुख प्रावधान है और क्या सावधानियाँ हमारे को उपार्जन के दौरान रखनी है, इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय के द्वारा मार्गदर्शन दी गई है। जत्रापुरा क्षेत्र में बीते कुछ दिन पूर्व जमीन पर लगी तार फेंसिंग के करंट से पति पत्नी बबलू कुशवाह और राधाबाई की असमय मौत हो गई थी, जिससे अनाथ हुए मासूम बच्चों की परवरिश व शिक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता समाजसेवी मनोज कटारे उनके निवास पर पहुंचे और हर संभव बच्चों के लिए मदद की बात उन्होंने कही। उनके साथ नगर के गणमान्य भी उपस्थित रहे। हमारा निवेदन ये है कि बच्चों को, कौन कौन से बच्चे हैं? दो लड़की एक हमारा। आपसे निवेदन इतना सा है, अभी आपको जो भी आवश्यकता है ठीक है ना, ये कपिल भाई हैं, संतोष हैं, धर्मेंद्र हैं, आप इनके साथ आ जाओ। जो भी अभी आपको राशन वगैरह की आवश्यकता हो, घर के सामान की, वो हमसे ले लो। बाकी ये जो बच्चों की पढ़ाई है, ये पढ़ाई लिखाई इनकी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आपसे निवेदन है इनकी पढ़ाई का खर्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ जैसे बाकी लगती नहीं है, किताबें कापी ड्रेस और जो भी आवश्यकता पड़े वो आप हमसे आके ले जाए। कपिल ये सब लोग बता देंगे हमारा पता, कभी भी किसी भी तरह की आवश्यकता। और तीज त्यौहार पर अगर आपको ऐसा लगे भाई, हमारा आपसे निवेदन क्या है कि अभी तो तात्कालिक घटना हुई है, अभी तो सबकी संवेदना उनके साथ है, कल को आप भी अपने काम में लग जाओगे, सबको दाल रोटी की चिंता है, अपने अपने परिवार पालना है, तो इसलिए इनके परवरिश में कोई कमी ना आए। ये मेरा आपसे निवेदन है, इनको जिस कोई भी आवश्यकता कभी भी पड़े, आप ये 3-4 जिम्मेदार लोग खड़े हैं, अध्यक्ष जी खड़े हैं भारत सुधार ठीक है ना, तो कभी भी कोई भी आवश्यकता लगे आप संकोच मत करना, हमसे मत कहना, आपके पार्षद जी हैं, ये है संतोष भाई हैं, धर्मेंद्र हैं, ये धारा सिंह जी हैं, जो भी आवश्यकता लगे इन बच्चों की पढ़ाई और अच्छी परवरिश में दिक्कत ना आए, हम उसकी मदद करने के तैयार। हम कोई सरकारी आदमी नहीं है, हमको व्यक्तिगत हमने पेपर में पढ़ा था तो बहुत हमें तकलीफ हुई, क्योंकि एकदम ऐसी घटना होना बच्चों के साथ मतलब एकदम पहाड़ टूट पड़ना है। मतलब सबसे बड़े बच्चा कितने साल का है? स्कूल जाती हो? इधर आओ, स्कूल जाती हो बेटा? कौन से स्कूल पढ़ती हो? अभी जाती हो नहीं जाती स्कूल? ठीक है बेटा, बंद मत करना, स्कूल जाना है ठीक है, कोई दिक्कत आए कपड़े लत्ते जूता चप्पल आजा बेटा, हमारा ये कहना है आप बिल्कुल परवरिश में कोई कसर मत करना, कपड़े जूते चप्पल त्योहार पर मिठाई और जो भी आवश्यकता लगे, किताब कापी झोला बस्ता हम सब दिलाएंगे ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो के बेचारे बच्चे पढ़ना है ना। अब आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपके बच्चे हैं ठीक है कि नहीं, और अभी आपको जो आवश्यकता हो सामान की दे रही कब है? ये 4 तारीख तो आपको उसमें जो आवश्यकता लगे आवश्यक सामान इन लोगों में से किसी को भी बता दें, बता देंगे भैया ठीक है। पार्षद साहब हैं ना, ये तो बेचारा सेवा करता ही है, तो अब वो उसकी भी एक मर्यादा है। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा अपडेट, देखते रहिएगा विधि से एनटी न्यूज, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है, यूट्यूब पर एंट्री न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सबसे पहले।